नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारी रेलवे 2020 में एग्ज़ाम होने वाली है NTPC एंड ग्रुप डी, उसके लिए जो हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चैलेंजिंग मॉक टेस्ट की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज 90 नंबर का वीडियो। इसके पहले 8 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ, अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे भी दे दिया, आप यहाँ से हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये सभी मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले 5 सालों में रेलवे ने जिस तरह क्वेश्चन पूछे हैं उसी तरह क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं और आने वाली परीक्षा 2020 में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूरे मॉक टेस्ट और पूरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको बता दें कि इसमें हमने साइंस के 15 क्वेश्चन लिए हैं और इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन लिए हैं जीके के, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स और विविध से क्वेश्चन लिए। इस प्रकार 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस भी स्टूडेंट्स ने ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे देख लिए, शुरू से आखिर तक देख लिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन स्किप करें वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ये मानिए कि जिसने 40 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए वो एग्जाम में आसानी से 35+ मार्क्स प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज का हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 9 है वो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट सभी स्टूडेंट डेली की तरह एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहे। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है। आपको बताना जो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लेनिन ग्रॉड से ब्लाडी वोस्टक तक। कहाँ तक जाती है? लेनिन ग्रॉड से ब्लाडी वोस्टक तक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो किससे की जाती है? इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? आपको बताना है जो 4 पदार्थ दे रखे इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसका सही तरह ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होती है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? आपको बताना कि स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म इनमें से कौन सा है? तो इसका सही तरह ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पोर्ट सहित तथा स्वेज। कौन सा है? पोर्ट सहित तथा स्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? देखिए मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो रखा गया था 4 वर्गों में। कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्गों में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? आपको बताना है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह नियम किसका है? इसका सही तरह का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओम का नियम। क्या कहते हैं इसको? ओम का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जापान। जापान को सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 से 1/10। कितनी थी? हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वोल्गा नदी। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। आपको बताना कि शैंपेन और सोडा में जो बुलबुले होते हैं वो कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? शैंपेन और सोडा में जो बुलबुले आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वास्तव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंडियन पॉलिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है तो कौन भाग लेता है? तो ये भाग लेते हैं परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय
किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1936, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? आपको बताना कि राज्य में जब आपातकाल लग जाता है तो उस समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है। देखिए तो आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उसके किसके हाथ में हो जाता है, राष्ट्रपति के हाथ में हो जाता है, आ जाता है जब भी राज्य में आपातकाल लगा दिया, मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाता है उस राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने ISSF विश्व कप फाइनल में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में कौन सा पदक जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। अभी नवंबर 2019 में भारतीय निशानेबाज जो मनु भाकर हैं ने ISSF विश्व कप फाइनल में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था उन्होंने, स्वर्ण पदक जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पदक जीता था, याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में इनमें से कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण। देखिए हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान का ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, जाम्बिया की राजधानी बांजुल का प्राचीन नाम क्या है? जो जाम्बिया की राजधानी बांजुल है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो उसका सही तरह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्रॉथर्स्ट। क्या नाम है उसका? ब्रॉथर्स्ट नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? आपको बताना इनमें से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फेल्ला। देखिए फेल्ला जनजाति जो कि नील नदी घाटी में निवास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम में लिखना। आपको बताना है कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं उनके उत्पादन के आधार पर उनको अवरोही क्रम में रखना है। तो इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील, भारत, चीन। हमने इनको अवरोही क्रम में रखा है, सबसे पहले आएगा ब्राजील, उसके बाद आएगा भारत, उसके बाद आएगा चीन, गन्ने के उत्पादन करने के इनको क्रम में रखा है अवरोही क्रम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? आपको बताना है कि जनगणना का आकलन करने से रिपोर्ट एक प्रदर्शित होती है जिसमें भारत विश्व का सबसे युवा देश वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी। जो सबसे युवा देश है भारत तो उसके अनुसार 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 29 वर्ष। कितनी होगी औसत उम्र निकाली है जब भारत की 2020 में, तो वो 29 वर्ष होगी क्योंकि सबसे युवा देश माना जा रहा है भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है? आपको बताना है कि अभी जो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने अभी एक नए राज्य में राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है, तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो उनको बनाया गया है, गोवा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नवंबर 2019 में ही उन्होंने गोवा के राज्यपाल पद के तौर पर शपथ ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या फिर अपने कार्य करने में अक्षम हो, ये तीनों ही स्थितियों में उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी मामलों में। जिस भी मामलों में अगर अनुपस्थित है, बीमार है या फिर अपने कार्य करने में अक्षम है, तो तीनों ही परिस्थितियों में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? आपको बताना, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसका सही तरह का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 6 वर्ष। कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब CPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? आपको बताना, जो CPI है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कब अस्तित्व में आई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1921, 1921 ईस्वी में जो CPI है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अस्तित्व में आई थी, मतलब उसका उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? आपको बताना, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित
नहीं थे। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी उपस्थित थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर उपस्थित थे और जस्टिस रणारे उपस्थित थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी उपस्थित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जबकि ये तीनों ही दादा भाई नौरोजी, सी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रणारे इसमें सभा में उपस्थित, यहाँ पूछा गया था उपस्थित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? आपको बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको पदच्युत करने के बाद पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है उनको पद से हटाने का संकल्प? तो केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन उत्पादित होता है, आपको बताना कि इंसुलिन कहाँ पर उत्पादित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पेनक्रियाज द्वारा। कहाँ पर उत्पादित होता है? पेनक्रियाज द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जूम है, एक आपको बताना है जूम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि का एक तरीका। था कि जूम क्या होता है? कृषि का एक तरीका होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का एक वर्ड होता है, कृषि का एक तरीका होता है जूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? आप ये इंडेक्स वाली चीज़ तो आप इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भी बता दूंगा, बना दूंगा। अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि इसका वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो कौन सा स्थान मिला है? इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 102वां स्थान मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को 102वां स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, वेनेजुएला की सरकार ने किस देश के राजदूत डेनियल क्रीनर को पार्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया? आपको बताना, जो वेनेजुएला की सरकार है उसने किस देश के राजदूत, किस देश के एम्बेसडर को डेनियल क्रीनर को पार्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जर्मनी। देखिए जर्मनी के राजदूत को उन्होंने पार्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल ऑफ करंट अफेयर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु में क्या होता है? आपको बताना कि विषाणु में इनमें से क्या होता है जो चार ऑप्शन दे रखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या पाया जाता है विषाणु में? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2019 में हाल ही में किस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल हुआ है? आपको बताना कि रामनाथ कोविंद ने भी हाल ही में NIRF रैंकिंग 2019 जारी की है, उसमें किस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल हुआ है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मिरांडा हाउस दिल्ली। देखिए मिरांडा हाउस दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल हुआ है NIRF रैंकिंग 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बीजों का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीजों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? मसूरी में जल का तापमान, अगर दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना है तो मसूरी में उस जल का तापमान क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री से कम ही होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा मसूरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार निम्नलिखित में से नगरी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित? आपको बताना कि वेम्बानद झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी केरल राज्य में। कहाँ पे स्थित है वेम्बानद झील? केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7 महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? जो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय है उनमें सर्वाधिक, सबसे बड़ा मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, देवी देवताओं की पूजा। कौन सा अंतर है सबसे बड़ा? देवी देवताओं की पूजा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कुटीर उद्योग कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। इसका सही तरह का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लॉर्ड पामस्टन। कौन था उस समय? लॉर्ड पामस्टन। जब 1857 की क्रांति भारत में हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो उसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको जो रेलवे 2020 में NTPC एंड ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो हमारी स्पेशल चैलेंजिंग मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज मैंने आपको 90 नंबर का वीडियो कंप्लीट करा दिया। इसके पहले के 8 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो मैंने लिंक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर दिया, आप यहाँ से हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और आपको बता दूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको 40 में से कितने मार्क्स आए, साथ साथ अपने RRB जोन का नाम भी लिखिए जिससे कि किस जोन में कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है। इस तरह के और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।